हेलो दोस्तों, मैं विनीता और मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन से एक बहुत ही टेस्टी सा और हेल्दी वाला नाश्ता, जिसे आप फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। जब भी कोई छोटी मोटी भूख हो या फिर मॉर्निंग के टाइम के लिए, तो एक बहुत ही हेल्दी वाला ऑप्शन है, आप ज़रूर ट्राई करना। ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी करारे देखिए, हमारे जो ब्रेकफास्ट है वो बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो देखिए कितने करारे करारे हमारे जो ये हैं बेसन के चीले या डोसा, जो भी आप कहें, बन के तैयार हुए हैं। तो आइए दोस्तों, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैटर बना के तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। बेसन आप मोटा या बारीक कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। हमने डाल दिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, आधे चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले की जगह आप चाहें तो अमचूर पाउडर ले सकते हैं। आधे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम हमने लिया है काला नमक। काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। आधी चम्मच ही मैंने इसमें अजवाइन भी डाली है। अजवाइन से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, साथ के साथ ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। और अब शुरू में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार करेंगे। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो क्या होगा, बेसन में गुठलियाँ पड़ जाएंगी, फिर उनको गुठलियों को ख़त्म करना बहुत एक टफ आपके लिए टास्क हो जाएगा। तो शुरू में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप बेसन को घोलिए। एकदम स्मूथ सा हमें इसका बैटर बनाना है, जैसा नॉर्मली हम चीले के लिए या डोसे के लिए तैयार करते हैं। तो देखिए बेसन पूरी तरह से घुल चुका है, अब इसमें कोई भी गुठली नहीं है। अब इसकी हम कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। तो एक कटोरी बेसन के लिए मुझे 1.5 गिलास के जितना पानी लग गया है। थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने पानी डाला है, क्योंकि बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी देखिए, आप देख सकते हैं होनी चाहिए बेसन की। और अब इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। 10-15 मिनट रेस्ट पर रखने के बाद अब इससे हम अपना नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। जब तवा आपका गर्म हो जाए, उसके बाद आपको उसको थोड़ा ठंडा करना है। एकदम गर्म गर्म तवे पर आपको बैटर को नहीं फैलाना है, क्योंकि बैटर नहीं फैलेगा अगर तवा गर्म होगा। तो 2-3 बार इस तरह से पानी के छींटे डाल के आप नैपकिन से, किचन टावल से तवे को क्लीन कर लें और गैस की फ्लेम लो पे करके आप बैटर को फैलाइए। ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा सा देखिए घी लगा दिया है। अब इसको नाश्ते को चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं या जीरो ऑयल घी में भी ये बन सकता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा या पैन है ना, तो आप बिना ऑयल बिना घी के इसको बना सकते हैं। बहुत से लोग आजकल तो डाइट वगैरह करते हैं और तेल घी बिल्कुल अवॉइड करते हैं, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। जब ये नीचे से अच्छा सा क्रिस्पी हो जाएगा देखिए इस तरह से, तब इसे हम पलट लेंगे। कितना मज़ेदार लग रहा है और इनको बनाने में इतना मज़ा आता है ना, जब एक बार बनाने लग जाओ तो दिल करता है फिर इसको बनाते ही जाएं। और एक बनने में आपको 4-5 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपको इसको सेकना है। हाई फ्लेम पर तो जल जाएगा पर, लेकिन इतना अच्छा इसमें स्वाद नहीं आएगा। तो अच्छे से पकाने के लिए दोबारा से आपको वही वाला तरीका करना है। तवे को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, उसके बाद एक लैडल फुल भर के हमें बैटर लेना है और इसको फैला देना है। इसे मोटा या पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन आज हम ये क्रिस्पी वाले बना रहे हैं ना, बिल्कुल पतले पतले, तो मैं इसको पतला ही रख रही हूँ। देखिए नीचे से पूरी तरह से ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। इसमें आप चाहें तो कोई सब्जी वगैरह की स्टफिंग भी डाल सकते हैं, जैसे आपने आलू की सब्जी बना रखी है, कोई भी सब्जी जो आपके पास है तो आप कोई स्टफिंग भी इसमें लगा सकते हैं, चटनी भी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी पनीर भुर्जी डाली है। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है नाश्ता देखने में ही। इसे किसी भी तरह की चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों के नाश्ते में दिया जा सकता है। इसी तरह से हम बना बना के इस सर्व करेंगे। बस हर बार आपको यही ध्यान रखना है, तवे को आपको गरम करने के बाद ठंडा ज़रूर करना है। मतलब एकदम गरम गरम तवे पे अगर आप इसको फैलाना कोशिश भी करेंगे ना, तो भी ये नहीं फैलेगा, चिपक जाएगा बैटर। एक बार जब आप इसको फैला दें तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम पे कर सकते हैं।
और बिना घी तेल के ये बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। आपको एक बूंद भी इसमें तेल की या घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितना क्रिस्पी करारा हमारा ये बेसन का डोसा बनके तैयार हुआ है। खाने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है ये, और बनाने में बहुत आसान है। हरे धनिया की चटनी अगर आपने बना ली है तो इसके साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है। इमली की जो खट्टी मीठी वाली चटनी होती है वो भी आप इसके साथ ले सकते हैं। तो सारे मैंने देखिए बना लिए हैं, इनको आप गरम गरम ही सारू कीजिए, गरम गरम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे आप इसको लंच वगैरह के लिए भी बना के दे सकते हैं, बच्चों को ठंडे होने के बाद भी आराम से खाए जाएंगे। और नॉनस्टिक तवे पे, नॉनस्टिक पैन पे तो बहुत आसानी से बन जाते हैं बिल्कुल कम मेहनत में। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी ये फटाफट से बनने वाली हेल्दी सी रेसिपी, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। बिना तेल बिना घी के क्विक बनने वाली रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना इसको, ये आपके घर में सभी को पसंद आएगी, 100% पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो आज की हमारी थाली है बेसन का गर्मा गर्म करारा करारा डोसा, साथ में पनीर भुर्जी और हरे धनिए की चटनी। अभी देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊं कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनाया है ये। ये देखिए एकदम कागज़ की तरह पतला है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी हम मिलेंगे एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।